हैप्पी दिवाली। गरज पड़ती दोन केले का तुम्ही? अजून एक का झाला केक? आता वेगळं करणार का? आता हितन भरायचं आणि इथनं वेगळं भरायचं असं म्हणते का? मस्त आहे, हुशार आहेत काकू, मस्त झालं। बेबी वाली झाली। एक पटी रवा आणि तूप मोहन आणि गणभर मीठ आणि दुधात मळायचं, दुधात पूर्ण। आणि ह्याच्यामध्ये खोबरं आणि खोबरं, खसखस आणि साखर। आधी खसखस तुपात मळायचे, फ्राय करून घ्यायचे। फ्राय करून बघू शकता आमची गायत्री करंजी करून दाखवते किती छान कसे भरले आहे तिने, मस्त एकदम छान भरते आहे। आज आमच्या लक्ष्मी पूजनला देवाला नैवेद्य म्हणून करंजीचा करत आहे, कोणी अनारसे पण करतं, कोणी बेसनाचे लाडू करतं, पूजेला नवीन लागतं म्हणून। तुमने एफर्ट तो लिया है, वो भी इतने कम टाइम में, इतनी जल्दी कितना सारा काम किया तुमने। सुपर प्रो, ऐसे मत बोलो। करंजी बना के हो गया, मम्मा को भी मैं पवर से देख के आई, उसको भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी हुई थी आज के भी। और अभी मिलते हैं रेडी होके। क्या कर रही हो? सब हो गया ना? मस्त लग रही थाल। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुंदर, हम नीचे आए थोड़ा सोसाइटी में पटाखे फोड़ने। Thank you.
पटाखे फोड़ के हो गए। अभी हम जा रहे हैं मंदिर मंदिर के लिए पाव भाजी लेके जा रही हूँ। लेट्स इनको कैसे लगती है, अच्छी लगती है बुरी लगती है। और सब वेट कर रहे हैं, हमको लेट हो गया थोड़ा, मम्मा आ रही थी इसलिए शूट नहीं कर पाई मम्मा ही तब। फटाखे फोड़ने में बहुत लेट हो गया और पूजा वगैरह, तो मानसी की मम्मी उनको मैं मासी बुलाती हूँ। ऑल टाइम फेवरेट पर्सन शुरू कर शिरो घरी आहे अमितचा फ्रेंड शिरो घरी आहे। हॅपी दिवाळी। पता है मासी ने क्या पूछा किचन में जाके, मासी के पास पूरे आइसक्रीम के भी फ्लेवर है, चॉकलेट चाहिए हुए ये चाहिए वो चाहिए, स्ट्रॉबेरी तो स्ट्रॉबेरी ले ली। ऐसे लग रहा है अपन रेस्टोरेंट में आए, एक एक आइटम आता जा रहा है। दायू बहुत क्यूट रेट गिफ्ट दिया है मासी ने, मैंने हेलमेट चॉकलेट्स बना के दिया है एंड बहुत अच्छे चॉकलेट्स बनाते हैं। इवन मेरे बर्थडे के दिन भी केक मासी ने बनाया था वो, और फिर अमित के बर्थडे के दिन भी उन्होंने ही बनाया था केक। अमित बहुत टायर्ड है। अगर आपको पूरा मेरा दिवाली का वीडियो, पूरा मेरा दिवाली का व्लॉग अच्छा लगा हो, कैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, मतलब इन शॉर्ट कि गायत्री की दुनिया, मेरे दुनिया में क्या होता है, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो और आपने अभी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक किए बिना मत जाना एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, ऑल्सो अमित यूट्यूब चैनल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वर्ल्ड ऑफ अमित रॉय। और क्योंकि अभी यह दिवाली में हम लोग ये सब चीज़ें खा के तो मोटे हो जाते हैं, तो आपको ज़रूर अमित की हेल्प लगेगी इसमें वापस लूज करने में वेट। तो हम लोग इतना अनहेल्दी खाते हैं सब ऑयली वगैरह, तो वापस कैसे लूज करें, फिर अमित क्या करेंगे वो सब आपको शेयर करेंगे उनके वीडियो में। और आपको मेरा आज का वीडियो पूरा अच्छा लगा हो, आज का पूरा दिवाली का व्लॉग, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, स्पेशली उनके लिए जो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। तो फिर मैं आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और हम लोगों के ब्लॉग देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। मैंने सोसाइटी को कितने अच्छे से सजाया है ना, सड़क